मंदिरों के अंदर जाएं, तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? हमारा ये कहना है कि आपका नाम? मेरा नाम मंजू वाला है, मैं आगरा की जिला अध्यक्ष हूँ। आगरा की जिला अध्यक्ष? हाँ जी। आगरा तो बहुत खतरनाक क्षेत्र है जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी, जब मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो, जब हम इस जबकि हमारे समाज में बेटियों को और नारी जाति को सम्मान दिया जाता है, देवी का रूप माना जाता है और उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जब हम इस देश की बेटी हैं, जब हम इस देश की बेटी हैं, तो उन्हें इस लिहाज से सोचना चाहिए कि जब हमारे देश की बेटी सड़क पर उतरी है तो क्या ये उनके लिए शर्म की बात नहीं है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसके सामने, उसकी समस्या को कौन ही सुना गया कि आज देश की बेटी, समाज की बेटी, अपनी बहू, अपनी बच्ची और अपनी एक नारी जो इस देश की धरती पर, इस राजधानी में सड़क पर उतर कर आई है, क्या उसने कभी मोदी जी ने सोचा? कहते हैं नारी को सम्मान दो, नारी सशक्तिकरण है, नारी बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। अरे कहाँ से हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं, कहाँ से उसे खाना खिलाएं? अरे सरकार हमसे एक राज कर्मचारी का काम तो लेती है, लेकिन उसे शर्म नहीं आती, मात्र 100 रुपये रोजाना हमें देती है, जो एक मजदूर को 300 रुपये दिए जाते हैं और हमें 100 रुपये देती है, उसे देते में शर्म भी नहीं आती। क्या हम 100 रुपये में अपना परिवार चला सकते हैं? क्या अच्छी बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? क्या अच्छा खाना दे सकते हैं? क्या मोदी जी अपने परिवार को चलाकर दिखा सकते हैं? और उस पर भी ऊपर से GST लागू और दुनिया भर के काम, और ऊपर से हमें कलंकित भी किया जाता है कि आंगनबाड़ी चोर है, काम नहीं करती है। मोदी जी को शर्म नहीं आती कि इधर चोर कहती है, इधर सारे काम हमारे बिना भी नहीं करा पाती। जब सारे काम हमसे लेती है, हमसे कराती है, तो हमें वो राज कर्मचारी का दर्जा क्यों नहीं दे देती? ये नंगी भूखी सरकार जब इसके पास बेटियों के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, तो हमसे काम क्यों लेती है राज कर्मचारियों का? इसे सोचना चाहिए, जब राज कर्मचारी का हमसे काम लेती है तो इसे दर्जा भी देना पड़ेगा और हम लेकर रहेंगे, अन्यथा इसके कामों का बहिष्कार कर देंगे। ये देखिए, ये छोटा बच्चा है और ये अभी इस आंखें भी नहीं खोली हैं और इसे भी ये पता लग गया कि ये धरने प्रदर्शन कहाँ दिए जाते हैं, और ये धरने प्रदर्शन से ही मांग पूरी होती है। छोटे छोटे बच्चों की भी क्या मजबूरी है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं।